हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं मखाना काजू करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने भी बनाई होगी कई बार, और आज देखिए मैं कैसे बनाती हूँ ये सब्ज़ी। फ्रेंड्स, बहुत खाने में टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने मखाना ले लिया है, ये 250 ग्राम नहीं, ये 60-70 ग्राम होंगे। और यहाँ पे हमने काजू ले लिया है, और हमने एकदम लाल लाल बड़े टमाटर, 2 बड़े साइज़ के 2 छोटे साइज़ के ले लिए हैं। इनको हम मिक्सी जार में डाल के और हम इनका पेस्ट बना लेते हैं। और उसके बाद ये जो काजू हमने निकाल कर रखा है, ये भी हम डाल देंगे इसी में, और दोनों का अच्छे से हम बारीक पेस्ट बना लिए हैं, ये देखिए। और अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो हम सबसे पहले काजू को फ्राई कर लेते हैं। देखिए, काजू हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर अच्छा लग रहा है। और फिर हम उसी ऑयल में अपने इस मखाने को डाल के वो फ्राई कर लेते हैं। मखाना भी हमारा हल्का गोल्डन हो गया है, थोड़ा सा इसे हम और फ्राई करके निकाल लेंगे। हो गया फ्रेंड्स, आप लोग ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। जब कभी घर में कोई सब्ज़ी नहीं रहती है, तब भी आप इस सब्ज़ी को बना के खा सकते हैं। और सेम कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करके 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और कसूरी मेथी डाल दिया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर सब डाल के हमने तेल में ही अच्छे से इसको चला देंगे, थोड़ा सा पक जाए। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, हम तेल में डाल रहे हैं मसाले, इस बात का खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था, उस पेस्ट को हम डाल के अच्छे से चला देंगे। और उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, डेगी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ, और यहाँ पे हमने काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम प्लेट से ढक के 2-3 मिनट तक इसको पकने देंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा पक गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है अच्छे से। और अब आप इसमें स्वादानुसार नमक डाल दीजिए, और आप ये हमने हरी धनी पत्ती डाल दी है। अब हम अच्छे से चला के मसाले को थोड़ा सा और पका लेंगे, और इसको हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, नहीं तो ये चिपकने लग जाता है। और हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें मसाले को भूनना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, ना मीडियम करना है, लो फ्लेम ही रखना है। और ये देखिए, 2 मिनट में हमारा ये मसाला अच्छे से पक गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और अब आप यहाँ पे ग्रेवी जैसी जितनी रखनी हो आपको, मोटी पतली, उसके हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। मैंने 1 गिलास पानी यहाँ पे डाल दिया है। और अब हमने जो मखाने और काजू रखे थे फ्राई करके, उनको भी हम इसी टाइम डाल देंगे। डाल के अच्छे से हम इनको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डालूं, जो भी रेसिपी डालूं, उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। ये हमने 2 मिनट बाद चेक किया है, हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई, तो हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। ये अभी दिखने में ऐसे पतली सी लग रही फ्रेंड्स, लेकिन जैसे ही ये ठंडी होगी, बहुत ही थिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने काजू का पेस्ट डाला है। अब हम इसको हरी धनिया से गार्निश कर देंगे, और आप चाहे तो फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं इसमें। और कितना अच्छा लुक आया है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही है फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।